इंडोनेशिया के जकार्ता में एक यात्री विमान सोमवार सुबह उड़ान भरने के 13 मिनट बाद क्रैश हो गया। इसमें सवार 179 लोगों के मारे जाने की खबर थी। हालांकि अभी तक क्रैश के पीछे की वजह पता नहीं चल पाई। वैसे तो हर साल दुनिया के किसी न किसी कोने में प्लेन क्रैश की खबर आती रहती है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे प्लेन क्रैश की घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें सवार यात्रियों को करीब 72 दिन बाद रेस्क्यू किया गया था। इतना ही नहीं, जिंदा बचे लोगों ने अपनी भूख मिटाने के लिए प्लेन क्रैश में मारे गए कुछ यात्रियों का मांस भी खाया था। इतिहास में ये घटना 1972 एडिस फ्लाइट डिजास्टर या मिरेकल ऑफ एडिस के नाम से भी जानी जाती है। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर ना जाने क्या हुआ कि पायलट अपनी पोजीशन समझ नहीं पाया और एक झटके में प्लेन एडिस पर्वत के एक चोटी से टकरा गया। तूफानी रफ्तार वाले प्लेन के एडिस पर्वत से टकराते ही जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते पूरा जहाज धराशाही हो गया और पर्वत से टकराते ही उसके पहाड़ियों में रहस्यमय तरीके से गुम हो गया। इस भयानक हादसे में 18 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, बाकी 27 लोग जैसे तैसे बच गए, लेकिन पर्वत की हड्डियां कपा देने वाली बर्फ के बीच में जिंदा रह पाना काफ़ी मुश्किल था, जो कि मौत से भी बदतर था। हादसे की जानकारी मिलते ही उग्रेवा की सरकार ने सक्रियता दिखाई और बचाव अभियान शुरू किया, लेकिन प्लेन का रंग सफ़ेद होने के कारण उसे बर्फ की पहाड़ियों में ढूंढ पाना इतना भी आसान नहीं था, जो कि घास के ढेर में एक सुई को ढूंढने के बराबर था। लगातार 10 दिन तक असफलता हाथ लगने पर 11वें दिन बचाव अभियान बंद कर दिया गया। सबका मानना था कि इतनी बर्फीली पहाड़ियों में इतने खराब मौसम में बिना खाना और पानी के उन लोगों का बच पाना काफ़ी मुश्किल था, जो कि जिंदा नहीं रह पाए होंगे। उधर दूसरी तरफ बचे हुए 27 लोगों में से कुछ घायलों की जान चली गई। बाकी बचे लोगों ने अपने पास उपलब्ध भोजन को छोटे छोटे हिस्सों में काट दिया ताकि वो ज़्यादा दिन तक चल सके। पानी की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने प्लेन में से एक ऐसे मेटल के टुकड़े को निकाला जो धूप में बहुत ज़्यादा गर्म हो सकता था। फिर उस पर बर्फ रखकर उन्होंने पिघलाकर पानी इकट्ठा कर लिया। इससे उनकी पानी की समस्या तो हल हो गई, पर कुछ ही दिन में भोजन खत्म हो गया। भोजन खत्म होने के बाद बचे हुए लोगों ने भूख से परेशान होकर अपने ही साथियों के लाश के टुकड़े करके उन्हें खाना शुरू कर दिया। एक झटके में आई मौत से बचे ये लोग अब असहनीय अंत की ओर बढ़ रहे थे। अब केवल 16 लोग ही जिंदा बचे थे और हादसे को 60 दिन बीत चुके थे। सोचिए, बर्फीली पहाड़ियों में 60 दिन अकेले गुजारना बिना खाना और पानी के कितना मुश्किल होता होगा। मदद की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दी तो दो फुटबॉल प्लेयर्स नेंडो पेरेडो और रोबोट केंसा ने सोचा कि यहाँ पड़े पड़े मरने से अच्छा है कि मदद की तलाश में कहीं निकला जाए। और देखते ही देखते वो दो बचाव रेस्क्यू के लिए अपने सफ़र पर निकलती है। बर्फीली पहाड़ियों में वो भटकते भटकते इतने कमज़ोर हो गए थे कि उनका शरीर उनका साथ छोड़ रहा था। भूख प्यास से मर रहे दो खिलाड़ियों ने किसी तरीके से अपने आप को संभाला और जैसे तैसे 60 दिन के अंदर दोनों का शरीर कमज़ोर हो गया था। बर्फ़ पर ट्रेडिंग करने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं थे, लेकिन दोनों खिलाड़ी थे और दोनों के अंदर अंत तक ना हारने वाला जज्बा मौजूद था और किसी तरीके से वो दोनों जैसे तैसे चिली के आबादी वाले क्षेत्र तक पहुँचे, जहाँ दोनों ने रेस्क्यू टीम को अपने साथियों के बारे में बताया और अपने साथ घटी हर एक घटना के बारे में बताया। हादसे के 72 दिन बाद 16 लोगों का बचना भी किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा था। पेरेडो ने इस पूरे हादसे और अपने संघर्ष को लेकर एक किताब भी लिखी है। आपको क्या लगता है कि कैसे एक यात्री वाला विमान पहाड़ से टकराता है और कैसे धराशाही हो जाता है? आखिर इस विमान के गुम होने पर, इस विमान के क्रैश होने पर असली वजह क्या थी, ये आज तक पता नहीं चल पाई है। कुछ लोगों का मानना है कि पायलट नींद में था। कुछ लोगों का मानना है कि अचानक से उन्हें एक पहाड़ नज़र आ गया था और उन्होंने प्लेन को ऊपर ले जाने के चक्कर में प्लेन को पूरा जोर लगा दिया और जैसे तैसे प्लेन ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था तभी वो पहाड़ की चोटी से टकरा गया और उसका एक हिस्सा नीचे गिर गया और दूसरा हिस्सा कहीं गायब हो गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बीती थी उन लोगों के ऊपर जिन्होंने अपने ही दोस्तों के मांस के टुकड़े खाने पर उनको मजबूर कर दिया था?
हम आशा करते हैं आपको ये कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। हम मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।